हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दही के सोले, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट से बनकर ये तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दही के सोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप हंकड़, यानी 1 कप बिना पानी वाला दही। अब इसमें डालेंगे 1 कद्दूकस किया हुआ गाजर, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे। साथ ही यहाँ डालेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च और कटे हुए धनिया पत्ती डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो हमारे इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, साथ ही यहाँ हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और फिर से अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारा लाजवाब सा स्टफिंग तैयार हो चुका है। तो अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उसके ब्राउन पार्ट को हम चाकू की मदद से हटा देंगे। बाद हमें बेलन से रोल कर लेना है, हल्का प्रेस करके ही हम रोल करेंगे। तो अब तैयार किए हुए स्टफिंग को ब्रेड के ऊपर रखेंगे। अब ब्रेड के चारों ओर हल्का पानी लगा देंगे। तो ब्रेड के चारों ओर हल्का सा पानी लगा देंगे और इसे अच्छी तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो ब्रेड को फोल्ड करने के बाद हम चारों ओर से पानी लगाकर इसे अच्छी तरह से चिपका लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे दही सोले को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, मैंने सारे दही सोले तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें तलने के लिए तेल डाल देंगे और तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने पर एक एक करके दही के सोले डालेंगे। तो अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो हमारी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, हमारे दही के सोले यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे दही सोले को फ्राई कर लेंगे। तो देखा दोस्तों, कितना ईजी और कितना झटपट से हमारे दही के सोले बन के तैयार हो चुके हैं। तो किस बात की देरी दोस्तों, आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही लाजवाब लगती है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा सुपर टेस्टी एंड क्रिस्पी दही के सोले। तो इसे गर्मा गर्म टमाटो केचप के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। तो मिलते हैं ऐसे ही लाजवाब रेसिपी के साथ।